वेस्टलैंड टीएस एलियट का ही सिर्फ नहीं, पूरा 20th सेंचुरी मॉडर्निज्म का और वर्ल्ड लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पोएम है। इस वीडियो में हम लोग इसका समरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्ट वन का जो है द बरियल ऑफ द डेड उसका समरी को डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज कॉमेंट डाउन करें, मैं उसका डिटेल वीडियो भी बना करके उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में डाल दूंगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पोएम का बैकग्राउंड के बारे में कुछ और पोएट के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स करके फिर मैं समरी में चल जाऊंगा। तो ये पोएम डेडिकेट हुआ था एज्रा पाउंड को। एज्रा पाउंड को यहाँ पे बताया गया है इल मिग्लियर फैब्रो, यानी द बेटर क्राफ्ट्समैन। क्यों उनको ये बेटर क्राफ्ट्समैन तब बताया गया है, क्योंकि एलियट ने बहुत ज्यादा पहले लिखा था, ठीक है, जो मैनुस्क्रिप्ट था वो ढेर ज्यादा था, उसको छोटा करके एडिट करके एज्रा पाउंड ने उसको प्रेजेंट स्टेट में लाया है वेस्टलैंड का, तो इसलिए उनको बेटर क्राफ्ट्समैन बोल के उनको डेडिकेट किया है। टोटल 434 लाइन है, इसमें 5 पार्ट है, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर से। तो इस वीडियो में हम लोग बस फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ द डेड का ही समरी डिस्कस करेंगे, आगे का भी और समरी आगे और आता रहेगा, ठीक है। उसका मैं जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा एंड स्क्रीन में, ठीक है, वहां से आप लोग फॉलो बाकी भी कर सकते हैं। द क्राइटेरियन एक मैगजीन है जिसमें ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1922 में, उसके बाद द डायल मैगजीन में भी ये नवंबर 1922 में हुआ था, और आखिरकार ये न्यूयॉर्क से एक बुक का फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था द वेस्टलैंड, ठीक है, दिसंबर 1922 में। और इसका खासियत था कि इसमें एलियट्स ने कुछ फुट नोट्स डाला था। अब फुट नोट्स डाला क्यों था, उसका कारण है कि ये पूरा पैस्टिश फॉर्मेट में रिटन है। पैस्टिश क्या है, एक ऐसा एक मॉडर्निस्ट टेक्निक है जहां पे आप हर चीज के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके एक साथ उसको स्टिच करके एक फॉर्मेट बनाते हो। वेस्टलैंड इतना सारा अल्यूजन, इतना सारा रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, इसमें आपको पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ऑथर्स का इतना सारा रेफरेंस मिलेगा कि पहले ऑथर मतलब कोई भी रीडर के लिए इसको समझना काफी मुश्किल है। इसीलिए एलियट ने कुछ फुट नोट्स इंक्लूड किया था ताकि रीडर को पोएम को समझने में सुविधा हो। फिर आता है चेन्ड अल्यूशन। चेन्ड अल्यूशन क्या होता है कि अल्यूशन मतलब आप एक चीज का थ्रू कोई दूसरा घटना का या दूसरा हिस्ट्री का या दूसरा कल्चर का रेफरेंस दे रहे हो। अब एलियट ने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल अल्यूशन ही नहीं दिया है, ऐसा अल्यूशन उन्होंने दिया है कि उस अल्यूशन को समझने के लिए भी एक दूसरा मिथ को जानना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं चेन्ड अल्यूशन। फिर मल्टीपल कल्चर स्पिरिचुअलिटी लैंग्वेज। इस पूरा पोएम में उन्होंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों तरीके का फिलोसॉफी, दोनों तरीके का कल्चर का बात किया है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हर तरीके का रिलीजन का बात उन्होंने किया है, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत, ऐसी तरीके के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑथर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही कल्चरली और स्पिरिचुअली बहुत ही एक रिच पोएम है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट लैंग्वेज को या डिफरेंट मतलब ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करने का मानसिकता रखते हो तो वेस्टलैंड आपके लिए नहीं है। फिर आखिर में आता है दो बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स या एक कहा जाए कि लेजेंड्स जिसको समझना वेस्टलैंड को समझने के लिए जरूरी है। एक है फिशर किंग ग्रेल लेजेंड फर्टिलिटी मिथ, ठीक है। अब ये तीनों को डिटेल्स में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, छोटा सा बस एक आपको हिंट दे देता हूं। जीसस क्राइस्ट लास्ट अपने लास्ट सफर का दौरान जो कप से उन्होंने पिया था उसी को होली ग्रेल कहा जाता है या होली चैलिस भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है लेजेंड्स के अनुसार कि उनका जो ब्लड है वो भी उसमें छुपा हुआ है, और इसी कारण होली ग्रेल में या होली चैलिस में एक बहुत ही मिराक्युलस पावर है कोई भी चीज को हील कर देने का। और फिशर किंग एक ऐसे किंग है जो जिनको गार्जियन माना जाता है इस होली ग्रेल का, कि वो होली ग्रेल का सुरक्षा करते हैं, ठीक है, और उन वो खुद बहुत ही फेटली इंजर्ड है, इंजर्ड इन हिज जेनिटल्स, कि उस वजह से उनका ब्लीडिंग होते रहता है एंड ही हैज बिकम इम्पोर्टेंट, वो रिप्रोडक्शन के लिए इनकेपेबल हो गए हैं, ठीक है। तो और उनका ये जो स्थिति है वो उनका राज्य, उनका किंगडम, उनका लैंड में भी दर्शाता है, उनका राज्य भी एकदम रूखा सूखा, एकदम अस्वस्थ हालत में पड़ गया है। तो जब तक वो खुद ठीक नहीं होंगे तब तक उनका राज्य भी ठीक नहीं होगा, उनका देश भी एक वेस्ट लैंड बन चुका है। तो ये मिथ यहाँ पे बार बार घूम फिर करके आता है पूरा पोएम में। और एक जो है टाइरेशियस ब्लाइंड प्रॉफिट है, ठीक है, इसको पावर दिया गया था कि ये पास्ट और फ्यूचर सब कुछ चीज को देख सकेगा और प्रोफेसी कर सकेगा, तो ये भी एक नैरेटर के तौर में बीच बीच में आता रहता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेस्टलैंड को जानने के लिए। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाता है जो बरियल ऑफ द डेड है उसका समरी में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने यहाँ लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, उसका कारण यह है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको जान के रखना बहुत जरूरी, इसीलिए बस मैंने लाइन बाय लाइन दिया है, बट मैं समरी ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। अप्रैल सबसे क्रूएलेस्ट मंथ इसीलिए है क्योंकि
ये हम लोगों को पहले का अप्रैल का याद दिला देता था, युद्ध का पहले जब अप्रैल हुआ करता था, ये 1914 से 1909 तक जो वर्ल्ड वॉर चला वो पूरा वर्ल्ड को ट्रॉमेटाइज कर दिया है, पूरा वर्ल्ड को डेथ से फेटेलिटी से भर दे चुका है। इससे पहले 1918-17 तब का जो अप्रैल आया करता था तब वो खुशनुमा हुआ करता था, सुहाना हुआ करता था, प्यार भरा हुआ करता था। तो अब जब ये अप्रैल आया तो वही प्यार भरा याद, वही अच्छा याद हम लोगों को दिमाग में आ रहा है और हम लोग को टॉर्चर कर रहा है कि क्यों वो प्यारा दिन हम लोग अभी दोबारा नहीं मिल सकता है, क्यों ये वर्ल्ड वॉर वन आया, क्यों ये दुनिया में इतना तबाही लाया। तो एक तरीके से ये जो स्वीट मेमोरीज है वो हम लोगों में एक डिज़ायर पैदा कर रही है। किस चीज़ का डिज़ायर? कि काश हम लोग वहीं अप्रैल का दिन में फिर से लौट जा पाते, काश इतना डिस्ट्रक्शन, इतना ट्रॉमा हम लोग का ज़िंदगी में ना होता। तो इसलिए अप्रैल को क्रूएल बताया जा रहा है कि तुम हम लोग को याद तो दिला रहे हो खुशनुमा पल का, लेकिन उसको तुम एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको वास्तविकता में वो खुशनुमा मोमेंट्स नहीं ला पा रहे हो, दुनिया में सिर्फ तबाही ही तबाही मचा हुआ। इससे अच्छा तुम अप्रैल आते ही नहीं, कभी हम लोग को याद आता ही नहीं। इससे तो अच्छा क्या था, जो फॉरगेटफुल स्नो था, विंटर, अब तक जो विंटर है वो हम लोगों को गर्म रखा हुआ है। अब विंटर तो कभी गर्म रखता नहीं, विंटर तो ठंडा रखता है, लेकिन क्योंकि ये इतना खराब सिचुएशन है, इतना डेडली सिचुएशन है वर्ल्ड का, इसीलिए विंटर जब तक था तब तक वो अपना स्नो से, अपना फॉरगेटफुल स्नो से पूरा दुनियावासी को, धरतीवासी को भुला करके रखा था कि चलो स्प्रिंग नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विंटर है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ और सिर्फ लाइफलेसनेस है, तो इसी से हैबिचुएटेड हो जाओ। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आया तो याद दिला दिया, नहीं स्प्रिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो बस हम लोग को वो याद आ गया और मेमोरी और डिज़ायर मिक्सचर हो गया, डिजायर टू अगेन रिलीव दोस ब्यूटीफुल मोमेंट्स, बट वो डिजायर हम लोग का एक्सपेक्टेशन पूरा हो नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइलैक का बात किया गया है कि जमीन से जो लाइलैक डेड लैंड यानी मृत्यु से भरा हुआ, मृत्यु पूर्ण एक जमीन से, ठीक है, और एक तरीके से विंटर का स्नो से ढका हुआ, इसलिए भी डेड लैंड कहा जा रहा है, वहां से क्या आ रहा है, वहां से सुंदर ब्राउन एंड वेलवेट लाइलैक फूल निकल रहे हैं। और जो डल रूट्स है यानी कि सूखे जड़े हैं उनको स्प्रिंग टाइम जो रेन है, स्प्रिंग का टाइम का जो बरसात है, वो फिर से उसको रेजुविनेट कर दे रहा है, उसमें नया जान डाल दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि विंटर के टाइम इतना सब कुछ तो था नहीं, इतना अबंडेंस था नहीं, विंटर के टाइम बस छोटा सा ही लाइफ सस्टेन हो सकता था, विंटर के टाइम ड्राइड अप ट्यूबर्स यानी कि जो सूखी हुई रूट्स है वहीं बस मिलता था, तो उसी से हम लोग काम चलाते थे। लेकिन अब जो समर आया ये हम लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया। क्यों सरप्राइज़ कर दिया? क्योंकि हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि इतना दहशत का बाद कभी खूबसूरत समर आ भी सकता है। अब सीन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एलियट रेफर करते हैं उनका और मैरी लैरिश के बीच में हुआ एक कन्वर्सेशन का। मैरी लैरिश थी एलिजाबेथ ऑफ ऑस्ट्रिया की भतीजी थी, क्राउन प्रिंस रुडोल्फ का कज़िन थी। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी माई पास्ट में ये सारा चीज़ के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो वो और एलियट का बातचीत होता है, इसी में अब सीन ट्रांसफर हो जाता है कि हम लोग चलते हैं स्टैनबर्गर सी में। स्टैनबर्गर सी एक जर्मनी का म्यूनिक शहर में बसा हुआ एक स्टैनबर्गर लेक है। वहाँ पे बारिश होती है, बारिश में हम लोग थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, छाँव में रुकते हैं, फिर जब धूप वापस निकल के आती है फिर हम लोग चलते हैं हॉफगार्डन। हॉफगार्डन एक आपका रॉयल कोर्ट गार्डन है, ये भी जर्मनी में है। वहाँ पे चलते हैं, फिर कॉफ़ी पीते हैं और फिर एक घंटा भर बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन आ जाता है, ये इसका एक्चुअल मतलब है कि आई एम नॉट अ रशियन, आई एम फ्रॉम लिथुआनिया, आई एम अ रियल जर्मन। ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी रिवील करी है, मैं रशियन नहीं हूँ, मैं जर्मन ही हूँ। ठीक है, फिर वो अपना एक चाइल्डहुड मेमोरी में चल जाती है मैरी। वो क्या बोलती है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग आर्च ड्यूक के वहाँ रहा करते थे। आर्च ड्यूक यानी जो ऑस्ट्रिया के सम्राट है उसका सन को आर्च ड्यूक कहा जाता था। तो आर्च ड्यूक के वहाँ हम लोग रहा करते थे, तो मेरी जो कज़िन है, कज़िन यानी वही क्राउन प्रिंस रुडोल्फ की बात यहाँ पे कर रही है, वो हमको लेके एक स्लेज गाड़ी में एक दिन निकले थे। स्लेज गाड़ी यानी बर्फ़ में जो गाड़ी चलता है, ठीक है, उसको स्लेज गाड़ी कहा जाता है। तो और मैं बहुत काफ़ी डरी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो मेरा कज़िन मुझके बोला कि मैरी तुम टाइटली होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग स्लेज गाड़ी में करके नीचे गए तो बहुत मज़ा आया, ठीक है, मुझे बहुत फ्रीडम लगा, मैंने खुद को बहुत लाइट महसूस किया, बहुत एंजॉयमेंट मेरा हुआ। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बस पढ़ता हूँ, रात भर पढ़ते रहता हूँ, और जब विंटर होता है तो उससे बचने के लिए मैं चल जाता हूँ साउथ में थोड़ा गर्मी का तलाश में। तो ये क्या दर्शाता है कि वो अपने पास्ट के साथ अपने प्रेजेंट को कंपेयर कर रही कि पास्ट में उनका चाइल्डहुड कितना ज़्यादा खूबसूरत था और अभी एट प्रेजेंट वो कितना ज़्यादा अनइंटरेस्टेड ड्रेयरी हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या आ जाता है, अब अचानक से थोड़ा सा रिलीजियस एक
कन्वर्सेशन चल जाता है। यहाँ पे क्या बताते हैं एलियट, क्या चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा, ये वेस्टलैंड के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो ये स्टोनी रबिश है, पत्थर भरा हुआ वेस्टेज है, इसमें से क्या जड़ें निकलेंगी, इसमें से किस शाखाएं निकलेगी, क्या पत्ता निकलेगा, इसमें से कोई नया लाइफ, नया जान कुछ पनप सकेगा, नहीं पनप सकेगा। अब यहाँ पे वो ज्यूइश प्रॉफिट एज़ेकील का एक रेफरेंस देते हैं और वहाँ पे वो एक हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस का बात करते हैं। ये हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस क्या है, ये एक तरीके से एक्लेसियास्टिकास को भी थोड़ा सा रेफरेंस करता है और एक वेस्टलैंड को खुद को भी दर्शाता है कि वेस्टलैंड ये पोएम खुद जैसे बहुत सारा दूसरा पोएट्स का वर्क है या फिर दूसरा कल्चर का टूटा टूटा हुआ इमेज को या रेफरेंस को एक साथ जोड़ करके बना है, वैसा मॉडर्न लाइफ है वो भी बहुत सारे फ्रैगमेंट का संमिश्रण है, बहुत सारा टूटा टूटा पलों का एक साथ स्टिच किया हुआ चीज़ है, क्योंकि अभी मॉडर्न लाइफ में कोई भी स्मूथनेस नहीं बचा, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बचा, कोई भी संपूर्णता नहीं बचा, सब कोई टूट गए हैं, सबका आइडेंटिटी टूट गया है, सब कोई का जिंदगी टूट गया है, सब कोई का होप्स टूट गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पे सूरज इतना तेज़ी से रोशनी देता है, जहाँ पे पेड़ मरे हुए हैं, कोई वो लोग छाँव नहीं देते, जहाँ पे जो क्रिकेट का आवाज़ सुनाई नहीं देता, उसका रिलीविंग आवाज़ नहीं सुनाई देता, जहाँ पे जो पत्थर है वो सूखे पड़े हुए हैं, कोई पानी का आवाज़ नहीं आता, सिर्फ क्या है, एक रेड रॉक है, एक लाल पत्थर है और उसी का छाँव है, और उसी छाँव के अंदर आने के लिए हम लोग को स्पीकर बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं इस छाँव के अंदर तुमको एक अलग चीज़ दिखाऊँगा, मैं दिखाऊंगा कैसे आदमी का जो परछाई है वो सुबह में उसका पीछे रहता है लेकिन वहीं शाम को आगे चल के आता है उससे मिलने, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं एक मुट्ठी भर रेत में तुमको दिखाऊंगा कि डर किसे कहते हैं। ये क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि रेत जो है ये एक तरीके से ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, कि पूरा यूनिवर्स के बारे अगर सोचा जाए, पूरा टाइम के बारे अगर सोचा जाए तो उसके सामने ह्यूमन लाइफ क्या ही है, ह्यूमन लाइफ एक रेत से ज्यादा कुछ है क्या, एक रेत का जैसे कोई वैल्यू नहीं रहता वैसे ह्यूमन लाइफ का भी कोई वैल्यू नहीं, खास करके वर्ल्ड वॉर वन दिखा दिया है कि इंसान का जिंदगी कितना चीप है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी उसको खत्म कर दिया जा सकता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए बता रहा है कि एक हैंडफुल ऑफ डस्ट जैसा ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, कभी भी खत्म हो जा सकता, कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज देख के डरो, डर क्या होता है इसको देख के। फिर एक थोड़ा ये जो मैंने चार लाइन ब्लू में लिखा है, ये एक रिचार्ड वैगनर का लिखा हुआ ओपेरा से लिया हुआ है, जहाँ पे जो हीरो ट्रिस्टन है वो अपना हीरोइन आइसोडे के लिए गाती है, ताजी हवा बह रही है घर का तरफ मेरे आयरिश शाइल्ड, तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है और अब आ जाती है एक हायसिंथ गर्ल, हायसिंथ इन द सेंस वायलेट कलर का थोड़ा थिन एंड लॉन्ग दिखने वाला फ्लावर है, तो यहाँ पे हायसिंथ गर्ल का बात किया जाता है, एक लड़की है उसको हायसिंथ फूल देकर के उसका लवर प्रपोज किया था, तो उसका बाद से सब कोई उसको हायसिंथ गर्ल ही बोलने लगते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ कुछ एक दुर्घटना होती है, कुछ एक अनचाहा चीज़ होता है, जिसका वजह से वो बोलती है कि गार्डन से, हायसिंथ गार्डन से जब हम लोग लौट करके आए तो तुम्हारा जो बाहें थी वो भरी हुई थी, तुम्हारा जो बाल था वो भीगा हुआ था, मैं बोल नहीं कुछ पाई, मेरे आँखों से मैं देख नहीं पाई, और मैं ना तो जिंदा हूँ और ना मैं मुर्दा हूँ, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो ये कन्फ्यूजन का स्टेट को डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो काफ़ी शॉक्ड है, ठीक है, हालांकि लव जो है वो काफ़ी एनलाइटनिंग होना चाहिए, लव में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लव में तो कोई नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए, लेकिन मॉडर्न डे लव इतना नीचे गिर गया है, वो यहाँ पे एक तरीके से एक हिंट भी दिया जा रहा है कि फिजिकल असॉल्ट शायद हुआ हो उसके साथ, सेक्शुअल कोई ज़बरदस्ती उसके साथ किया गया हो, लव का जो प्योर सोल कनेक्शन है वो उसका जगह में फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा हुआ हो, जिसके वजह से उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उसको लव का वो मानसिक प्रशांति नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो एक ट्रांस का हालत में है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, जिंदा और मुर्दे का बीच का हालत में वो पड़ी हुई है, लव एक तरीके से उसके लिए जहर बन गया है। नेक्स्ट क्या आता है, अब मैडम सोसोट्रिस आ जाती है, ये एक फिर से एक नेक्स्ट सीन में हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। मैडम सोसोट्रिस क्या है, ये एक सूथसेयर है, सूथसेयर या टैरट कार्ड रीडर कह सकते हैं, जो फॉर्च्यून जो कार्ड देख करके आपका फॉर्च्यून भविष्य बता देते हैं, काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, क्लैरवॉयंट इनको कहा है, क्लैरवॉयंट वही जो फ्यूचर देख सकती हैं। तो यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हालांकि उनको पूरा यूरोप में सबसे ज्यादा ज्ञानी महिला माना जाता है, क्यों, क्योंकि उनका पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, वो टैरट कार्ड्स है जिसको देख के वो किसी का भी फ्यूचर बता दे सकती हैं, हालांकि वो उनको भी नॉर्मल आदमी इंसान जैसा ही कोल्ड मतलब होता है, सर्दी खांसी जुकाम हुआ हुआ है, लेकिन उनको ये सुपर पावर मिला है, तो एक तरीके से थोड़ा आयरनी भी है
कि दिख तो रहा है कि नॉर्मल इंसान जैसा ही है, फिर भी आदमी क्यों भरोसा करता है ये सब उल्टा सीधा चीज में, टैरट कार्ड रीडिंग में, ये एक आयरनी है, ठीक है। फिर वो अपना कार्ड में से कुछ कुछ टेक्निक कुछ कार्ड्स वो निकाल करके दिखाती है, जैसे एक फिनिशियन ड्राउंड फिनिशियन सेलर का कार्ड है, ठीक है, फिर एक बेलाडोना का कार्ड है, एक लेडी ऑफ सिचुएशंस का कार्ड है, अ मैन विथ थ्री स्टेव्स वाला कार्ड है, एक व्हील का कार्ड है, एक वन आइड मर्चेंट का कार्ड है और एक ब्लैंक कार्ड है। ब्लैंक कार्ड मतलब उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सारा जो कार्ड्स है इसमें कुछ कुछ रियल कार्ड्स भी है और ज़्यादातर फिक्टिशियस, मतलब एलियट का अपना इन्वेंटेड किया हुआ कार्ड है। जैसे ये जो बेलाडोना वाला कार्ड है ये कहीं ना कहीं वर्जिन मेरी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका जो ये ड्राउंड फिनिशियन सेलर है ये यहीं तो यहीं पोएम में वेस्टलैंड में ही एक सेक्शन आता है डेथ बाय वाटर, वहाँ पे फ्लेबस नाम का एक सेलर है जो ड्राउन हो जाता है, उसका ये रेफरेंस है। फिर आपका एक आता है कि व्हील, व्हील कार्ड जो है ये एक तरीके से जो जिंदगी का जो चक्र है, लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, डिस्ट्रक्शन एंड रिजुविनेशन का साइकिल, उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसा अलग अलग कार्ड का अलग अलग मतलब है। तो फिर वो क्या कहती है, मुझे हैंगडमैन वाला कार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। हैंगडमैन एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा एक चीज ये भी है कि वो एक फर्टिलिटी मिथ को भी रिप्रेजेंट करता है कि जहां पे आदमी को उल्टा लटका दिया जाता है, पैर का तरफ उसको फांसी का फंदा लटका दिया जाता है और उसको एक सैक्रिफाइस कर दिया जाता है फर्टिलिटी गॉड से, इस आशा से कि अब बारिश हो, अब फसलें उगे, अब ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये एक तरीके से दर्शा रहा है कि रिलीजियन का ऊपर या कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का ऊपर आदमी का अब भरोसा उठ गया है, आदमी का साथ स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं बचा। इसीलिए तो मैडम सोसाइटी को सारा कार्ड मिल गया लेकिन वो हैंगडमैन वाला कार्ड नहीं मिल रहा। अब वो क्या प्रोफेसी का फियर डेथ बाय वाटर, कि पानी से डूब के तुम्हारा मृत्यु होगा तो उससे बचना। और मैं बहुत सारा पीपल को देख पा रही हूँ, भीड़ को देख पा रही हूँ जो राउंड एंड राउंड सर्कल्स में घूम रही है। एक तरीके से फिर से एक रेफरेंस है दांते का लिखा हुआ द फेमस इन्फर्नो का, ठीक है। इन्फर्नो एक ऐसा स्टोरी है जिसमें दांते हेल में चल जाता है, हेल का जो 9 सर्कल्स है उसमें वो मूव करते हैं, रोम अबाउट करते हैं और वहां देखते हैं। तो वहीं हेल का सर्कल का बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर तुमको, या वही मैडम सोसोट्रिस बोल रही है कि अगर तुमको मिसेस इक्विटोन दिख जाए ना, ये उनका एक और क्लाइंट का नाम है, अगर उनको दिख जाए तो उनको जरा बता देना तो कि उनका हॉरोस्कोप में खुद ही जाके दे दूंगी, क्योंकि आजकल का जो जमाना है नहीं, ठीक नहीं, अकेले उनको आना सही नहीं है। फिर से सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और अब आ जाते हैं हम लोग लंदन ब्रिज में, ठीक है। यहाँ पे एलियट लंदन ब्रिज को अनरियल सिटी बताते हैं, ठीक है। ये अनरियल सिटी भी एक तरीके से फिर से एक रेफरेंस है बॉडलेयर का पोएम में, ठीक है। तो लंदन ब्रिज में वो देख पा रहे हैं कि बहुत सारा जो क्राउड है वो चले जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, सबको एकदम मुर्दा जोम्बी जैसा जा रहा है, ठीक है। एक ब्राउन फॉग जो लंदन का जो स्मॉग होता है, स्मॉग और फॉग का संग्रिशन, ये प्रदूषण को दर्शा रहा है, वो बहुत भारी होकर ऊपर छाया हुआ है और सब कोई अपने पैरों की तरफ सबका नज़र है, ठीक है। किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। और जब सब कोई कहाँ जा रहा है, किंग विलियम स्ट्रीट से नीचे जा रहा है जहाँ सेंट मेरी वुलनॉथ चर्च है, ये बहुत ही फेमस चर्च है सेंट मेरी वुलनॉथ का। तो और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर भी है जो समय का हिसाब रख रहा है और वहाँ क्या 9 बज रहा है और ये 9 बजे को डेडली स्ट्रोक ऑफ 9 बताया गया। क्यों डेडली स्ट्रोक ऑफ 9, क्योंकि 9 बजे सबका क्या हो जाता है, सबका काम शुरू हो जाता है, ऑफिस वगैरह काम में सबको जाना शुरू कर देता है। तो ये दर्शा रहा है कि किसी को अपना काम में कोई मन नहीं है, किसी का में कोई लाइवलीनेस नहीं बचा है, सब बस अपने मैकेनिकल एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और जा रहे एकदम मुर्दा जैसा जा रहा है। ये भी एक सटायर है हम लोग का मॉडर्न डे जनरेशन के प्रति कि हम लोग में कोई कॉर्डियलिटी नहीं बचा, कोई आंतरिकता नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यंत्र बन गए हैं, रोबोट बन गए हैं। अब वो क्या बताते हैं कि इन्हीं क्राउड में से उनको एक मिल जाता है अपना पहचाना हुआ आदमी जिसका नाम है स्टेटसन। वो पुकारते हैं, स्टेटसन पहचानते हैं मुझको, मैं तुमको माइली में मिला था। माइली एक वॉर का नाम है, फर्स्ट प्यूनिक वॉर है, ये 260 BC में लड़ा गया था, मतलब 100 साल पहले, सैकड़ों साल पहले, ठीक है। तो उस वक्त का रेफरेंस एलियट भी दे रहे हैं और इसमें एक हिडन मैसेज वो दे रहे हैं कि वॉर चाहे अभी ये वर्ल्ड वॉर 1 हो या सैकड़ों साल पहले लड़ा गया या प्यूनिक वॉर हो, सारा वॉर एक ही चीज लाता है, वो है डिस्ट्रक्शन। कोई भी वॉर मानव जाति के इतिहास में जितना भी वॉर लड़ा गया, कोई भी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया बगैर डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो स्टेटसन को बता रहे हैं कि अरे तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही माइली का शिप्स में था और वो जो एक लाश थी जो तुमने लास्ट ईयर अपना गार्डन में उसको बरी किया था, उसको कब्र दिया था एक लाश को, तो क्या वो अभी उगना शुरू हो गया है,
क्या वो इस साल फूल उगाएगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत आयरॉनिक लाइन भी है। द क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, विल इट ब्लूम दिस ईयर? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पन भी किया गया है कि क्रॉप्स, सी आर ओ पी क्रॉप्स होता है फसल, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा टर्न आउट कर दिया, सी ओ आर पी एस क्रॉप्स, यानी कि डेड बॉडी। तो तुम एक डेड बॉडी को अपना जो आंगन में गाढ़े थे वो क्या उसमें से भी क्या कुछ उगना शुरू हुआ? ये फिर से एक डेथ एंड रिजुविनेशन का साइकिल को हम लोग को याद दिला दे रहा है कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद ही उसमें से कुछ नया उगना, नया रीबर्थ होना चालू होता है। तो वो क्या उसमें से कुछ उगा है? ठीक है, क्या कुछ फूल उगा है? और या फिर जो विंटर का स्नो है वो उस पर पड़ करके उसको नष्ट कर दिया है? और सुनो, जो अपना डॉग है ना उसको तुम थोड़ा उसे दूर रखना, क्योंकि डॉग का एक बहुत गंदा आदत होता है, वो अपना नाखून से फिर खोड़ देगा और फिर वो लाश को ऊपर उठा के लेकर के आएगा। ये जो आखिरी लाइन है ये एक फ्रेंच पोएम से लिखा गया है, फ्लावर ऑफ द एजल्स नाम का, चार्ल्स बॉडलेयर का बहुत फेमस पोएम है, उससे ये लाइन लिया गया है। इसका मतलब है, यू हिपोक्रिट रीडर, माई फेलो माई ब्रदर। तो यहाँ पे एक तरीके से हिपोक्रिट भी बता रहे हैं वो रीडर को, और अपना दोस्त अपना यार भी बता रहे हैं। क्यों? क्यों? ये एलियट का एक मैसेज है कि जो रीडर्स ये पढ़ करके उनको लग रहा है कि ठीक है युद्ध तो हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो युद्ध से डायरेक्ट इम्पैक्टेड नहीं हूँ, तो ये वो लोग का समस्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वॉर जो है वो सिर्फ जहाँ पे बैटल फील्ड में लड़ा जा रहा है वो उसी को इम्पैक्ट नहीं करता, उसका आसपास का पूरा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, पूरा ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करता है। तो तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो कुछ चीज़ और तुम्हारा मन में कोई और चीज़ है, तो ये है तुम्हारा हिपोक्रेसी, मुंह में एक मन में एक। और हिपोक्रिट कहने का एक और भी कारण ये है कि मॉडर्न डे जो ह्यूमैन है इन एट लार्ज, कोई भी मॉडर्न डे पब्लिक, वो अपना मन से अपना काम को जोड़ नहीं पाता है, उसका मन से दिल से उसका काम का जो लगाव था, जो जुड़ाव था, वो कम्प्लीटली टूट चुका है, क्योंकि उसका अपना आइडेंटिटी ही अब बचा नहीं रहा, उसका अपना हार्ट ही अब बचा नहीं रहा, वहीं जब टूट चुका है तो क्या उसका मन में और उसका काम में कनेक्शन बना रहेगा। और लेकिन वो बता रहे हैं कि ये हालत सिर्फ अकेला तुम्हारा नहीं है दोस्त, मेरा भी है, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं भी यही कन्फ्यूजन झेल रहा हूँ, मैं भी यही आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जा रहा हूँ। और एक तरीके से ये जो वेस्टलैंड पोएम मैंने लिखा है, ये मेरा जो अंदर का आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा, उसी को एक तरीके से मैं वेंट आउट कर रहा हूँ, और आओ तुम भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो, तुम भी अपना आइडेंटिटी क्राइसिस से डरो नहीं, उसको फेस टू फेस करो और प्रे करो कि कुछ रिलीफ हम लोग को मिल जाए स्पिरिचुअलिटी का थ्रू। तो ये था पूरा सेक्शन वन का समरी, और अगर लाइन बाय लाइन एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।